टू माय यूट्यूब चैनल एडीपी व्लॉग्स। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड के राइडिंग शूज के बारे में। तो जैसा आप सब लोगों को पता होगा कि अगर हम लोग राइडिंग करते हैं तो जैसे हैंड ग्लव्स, हेलमेट और जैकेट्स हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, उसी तरह से राइडिंग शूज़ भी पहनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यू नेवर नोस कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो तो आपको लेग्स वगैरह में कुछ ज़्यादा इंजरी ना हो, इसके लिए हम राइडिंग शूज़ पहनते हैं। और दूसरी बात कि कंफर्ट भी ज़्यादा अच्छा मिलता है और वाटरप्रूफ भी होता है। तो वो सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए रॉयल एनफील्ड में बहुत ही अच्छे राइडिंग शूज़ निकाले हुए। ये बहुत टाइम से अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन इसने बहुत सारे चेंजेस करके अभी जो मार्केट में अवेलेबल है जो राइडिंग शूज़ वो बहुत ही परफेक्ट है। तो जब भी मैं राइडिंग शूज़ लेने वाला था तो मैंने बहुत सारी राइडिंग शॉप घूमा था, तभी जाके कोई अननोन ब्रांड के हमको राइडिंग शूज़ मिल रहे थे, वो भी 7 to 8,000 रुपीज़ के ही थे। और ये रॉयल एनफील्ड के अराउंड 6,500 का MRP है, लेकिन अभी फ़िलहाल डिस्काउंट वगैरह चल रहा है तो काफ़ी अच्छे दाम में आपको मिल जाते हैं। तो दाम तो बराबर ही है और साथ में आपको ब्रांड का वैल्यू भी मिल रहा है और ब्रांड का ट्रस्ट भी मिल रहा है इसमें। तो आप अगर राइडिंग शूज़ में कुछ भी प्रॉब्लम्स वगैरह होता है या उसके थ्रेड्स वगैरह निकल जाते हैं या फिर उसका जिप जो होता है वो भी अगर बिगड़ जाता है, तो हम रॉयल एनफील्ड के शोरूम वगैरह में जाके उसका कंप्लेन करके उसमें कुछ चेंजेस वगैरह होता है तो करवा सकते हो, या फिर अगर आप अंडर वारंटी में होता है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में रिप्लेसमेंट भी हो जाता है। तो इसीलिए मैंने रॉयल एनफील्ड के राइडिंग शूज़ लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे देखे थे लेकिन उसमें मुझे इतना कम्फर्टेबल भी नहीं लगा और उतना ट्रस्ट भी नहीं मिल रहा था। तो चलिए मैं आपको डिटेल में रॉयल एनफील्ड के राइडिंग शूज़ दिखाता हूँ और पहन के भी आपको कंफर्ट कैसा है वो सब के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह से बॉक्स वगैरह में पैकिंग होता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर रॉयल एनफील्ड का लिखा हुआ है और यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का लोगो वगैरह है और यहाँ पे आपको MRP वगैरह और बारकोड का कुछ डिटेलिंग वगैरह दिया हुआ है और कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है और कस्टमर केयर नंबर, टोल फ्री नंबर सब वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। तो कुछ इस तरह से हम बॉक्स वगैरह को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको रॉयल एनफील्ड के शूज़ दिखाई देंगे। तो बहुत ही अच्छी तरीके से पैकिंग्स वगैरह है और ये हमारा दूसरा, तो मैंने इसको एक दो बार पहना हुआ है तो इसी वजह से ये थोड़े गंदे भी हो चुके हैं। तो ये क्योंकि मैं तभी आप लोगों को बता सकता हूँ, अगर मैं पहनूंगा और यूज़ करूंगा तभी आप लोगों को कंफर्ट वगैरह के बारे में बता सकता हूँ। तो कुछ इस तरह से दोनों तो शूज़ बहुत ही अच्छे हैं और यहाँ पर दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ जिप दी हुई है और यहाँ पर ऊपर वेलक्रो वाला सिस्टम है पूरा। कुछ इस तरह से ओपन होके पूरा यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुशनिंग वगैरह भी बहुत ही अच्छा है इसके अंदर और जो वेलक्रो वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, और ये चेन्स वगैरह का भी क्वालिटी काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और साथ में यहाँ पे आगे रॉयल एनफील्ड का बेंचमार्क दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। तो ये शूज़ आपको ओनली ब्लैक कलर में ही अवेलेबल है और कोई भी कलर में आपको ये अवेलेबल नहीं है। और साथ में यहाँ पे पीछे एक रिफ्लेक्टर और यहाँ पे एक रॉयल एनफील्ड का लोगो का बेंचमार्क दिया हुआ है और साथ में यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि वाटर प्रूफ है ये। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कि जो पहले के रॉयल एनफील्ड के शूज़ आते थे वो फ्लैट सरफेस में आते थे तो कभी कभार स्लिपरी हो सकता था। तो यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने ये जो नए लेटेस्ट मॉडल आया हुआ है उसमें ये कुछ डिज़ाइन वगैरह देके काफ़ी अच्छा ग्रिप वगैरह हमको मिल सकता है। और यहाँ पर आगे बहुत ही हार्ड तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्वालिटी और लेदर्स जो भी यहाँ पे यूज़ किया गया है वो बहुत ही परफेक्ट है। तो यहाँ पे स्टील टो काफ़ी अच्छा है रॉयल एनफील्ड के राइडिंग शूज़ में और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, चेन्स का क्वालिटी अच्छा है,
जो लेदर्स यहाँ पे यूज़ किया गया है उसका भी क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, कुशनिंग भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आपको आगे जो ये अलग से पार्ट दिख रहा होगा वो जब हम लोग गियर शिफ्टिंग के लिए जो लीवर्स वगैरह होता है वो यहाँ पर ही आएगा, तो उसके लिए अलग से यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया हुआ है, तो आपका शूज़ वगैरह गंदा ना होए। तो चलिए अभी इसको हम पहनेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसा कंफर्टेबल है कि कैसा। तो यहाँ पे पहले चेन्स वगैरह ओपन कर दीजिए, फिर यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा वाइड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो पहला जूता हमने पहन लिया, तो अभी इसकी यहाँ पे चेन्स को यहाँ पे ओपन करते हुए तो कुछ इस तरह से शूज़ मैंने पहन लिए है। तो पहले हमको यहाँ अंदर का चेन क्लोज करने का है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ चेन के अंदर यहाँ पे अलग से ये जो लेदर का पूरा दिया है वो ये वाटर प्रूफिंग के लिए है, क्योंकि ये 100% वाटर प्रूफ शूज़ है। इसके लिए चेन्स वगैरह में से थोड़ा थोड़ा पानी अंदर जाता है लेकिन आपके पाँव तक नहीं पहुँचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने चेन को क्लोज कर दिया और यहाँ पे इस तरह से दोनों साइड, फिर बाहर का। परफेक्ट, देख सकते हो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा पूरा पाँव प्रोटेक्ट हो रहा है। तो थोड़ा ऑड ज़रूर लगेगा, आपने ऐसे शूज़ पहले नहीं पहने होंगे, तो थोड़ा यहाँ से जब भी हमारा लेग यहाँ से उतना आसानी से यहाँ से बैंड नहीं होगा उसकी वजह से, तो काफ़ी अच्छा है। अब देख सकते हो कि क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है और कंफर्ट मुझे अंदर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ तक पूरा प्रोटेक्शन है, पूरा वाटरप्रूफिंग हो गया है। आप देख सकते हैं कि चेन्स वगैरह भी बहुत ही अच्छी तरीके से, और जो ये बॉटम है इस उसका वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी ग्रिप्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिल रही है। परफेक्ट शूज़ है ये। तो यहाँ पे स्टील टो काफ़ी ज़्यादा मजबूत, और यहाँ पे ग्रिप्स वगैरह जो थ्रेडिंग की गई है वो भी काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का लोगो दिखा हुआ है। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते रहेंगे आपको किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ अग्रह।